जो के मुद्दों पर था, ये नेशनल इलेक्शन हमने नहीं बनाया, ये विधानसभा के लिए चुनाव हमने बनाया। मैं समझता हूँ कांग्रेस की जीत आज जो निर्णायक जीत है वो प्रधानमंत्री की निर्णायक हार है। ऐसा क्यों लगता है सर आपका प्रधानमंत्री को? क्योंकि प्रधानमंत्री के अलावा और कोई चेहरा दिखाई नहीं दिया। हमारे यहां से देखिए राहुल जी और प्रियंका जी के अलावा हमारे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी जो खुद कर्नाटक के हैं, वो 35-40 सीटों में प्रचार किया उन्होंने। सिद्धरमैया जी ने 60-65 सीटों में प्रचार की। डीके शिवकुमार ने 65-70 सीटों पर उन्होंने प्रचार किया। और जो मुद्दे हमने उठाए वो सब राज्य से संबंधित था, कोई राष्ट्रीय मुद्दा हमने नहीं उठाया। पर बीजेपी ने प्रधानमंत्री के लिए एक रेफरेंडम की तरह इन्होंने बना दिया अपना चुनाव प्रचार। नड्डा साहब ने कहा अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो प्रधानमंत्री का आशीर्वाद नहीं होगा। प्रधानमंत्री खुद डबल इंजन की बात करते रहे। तो मैं समझता हूं जो प्रचार प्रधानमंत्री की ओर से हुआ वो बिल्कुल अस्वीकारा गया कर्नाटक की जनता से। और इसलिए मेरा ये कहना है कि कांग्रेस का निर्णायक जीत प्रधानमंत्री की निर्णायक हार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।